हाय गाइस, मैं नवीन सचान। ये मैं पोयम लाया हूँ आपके लिए, डस्ट ऑफ स्नो। ये पोयम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है। जो इस पोयम में इन्होंने बताया है कि किस तरह से एक ये इनकी सिंपल पोयम है, बट यहाँ पे एक सिंबलाइज किया गया है। तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो। फर्स्ट लाइन है आपकी द पोयम की, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक कवे ने सरल मीन्स एक धतूरे का, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ के कण, हेमलॉक ट्री का मतलब होता है सरल का पौधा मीन्स धतूरा। धतूरा का पौधा एक पॉइजन का पौधा होता है, जो जहर का पौधा होता है वो। कि कवे ने सरल वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ के कण जिस तरीके से हिलाकर गिराए। यहाँ पर कवि क्या था, कवि एक छोटी सी घटना का जिक्र करता है जिससे उसका मूड बदल जाता है। वह बहुत ही उदास और निराश महसूस कर रहा होता है, पर और एक हेमलॉक के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ है। इस वृक्ष पर बैठे एक कवि ने वृक्ष को हिला दिया, क्योंकि जब पक्षी उड़ता है या बैठता है तो वृक्ष हिल जाता है, हिला दिया, जिसके कारण से बर्फ़ के छोटे छोटे जो कण थे, टुकड़े थे, वो पोएट पर गिरे और उसने उसके सोचने का नज़रिया बदल दिया। दूसरा है पैरा में बता रहा है कि हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। बर्फ के कणों के मतलब मुझ पर गिरने, जो कविता उसके ऊपर गिरने से उसका मूड बदल जाता है और दिन का कुछ हिस्सा जिस गुस्से के मूड में जो निकल जाता है वो बच जाता है। जो निकलने वाला था, जो निकल गया वो तो निकल गया, लेकिन जो कुछ पार्ट अभी बाकी है दिन का वो बच जाता है। तो कवि यहाँ बोलता है कि किस तरह से मैं दुखी था, अब मैं हैप्पी हूँ। जब बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े उस पर गिरते हैं तो उसका मूड जो बदल जाता है, वह तरोताज़ा महसूस करने लगता है। वह जो दिन के उस पार्ट पे पछता रहा है जो उसका ऐसे ही निकल गया था, नीरस निकल गया था। तो इस तरह से यहाँ कवि जो है उसने बताया कि हमें जीवन में कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए, हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बड़ी खुशियाँ हैं उनको भी इग्नोर करके हम छोटी छोटी बातों को लड़ाई करने के लिए ढूंढते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उन चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। मिस्टेक्स और गलतियाँ ये तो होती ही रहती हैं, लाइफ का एक पार्ट है। अगर गलती हुई है तो उसे सुधार भी सकते हैं, इसलिए हमें दुखी होकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो ऐसा इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इस पोएम में बताया गया है, डस्ट ऑफ स्नो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।